से पीटीआई का एक कारकुन जख्मी हो गया है। नारोवाल से आपको अपडेट कर रहे हैं कि नारोवाल में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में तसादम हुआ है। जी हां, मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग का अमल आज जारी रहा। नारोवाल में भी पोलिंग जारी थी। नारोवाल में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आमने सामने आ गए और तलकलामी हुई, जिसके बाद तसादम की सूरत हाल पैदा हुई। फायरिंग से पीटीआई का एक कारकुन जख्मी हो गया। मजीद अपडेट लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मोहम्मद हुमायूं से। मोहम्मद हुमायूं, बताइएगा, तसादम देखने आया है नारोवाल में, हाल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, ये थाना जफरवाल की यूनियन कोल्सर सकरोट है, वहाँ में ये वाकया पेश आया है। आपसे तकरीबन चंद आधा घंटा पहले वहाँ पे नून लीग के जो कारकुन थे जियाउर रहमान, उनको पीटीआई के कारकुन आफ्ताब ने जो है वहाँ पर मूली तलक कलामी और इन पर खंजर के वार करके इनको शदीद जख्मी कर दिया, जिनको बडाला अस्पताल जफरवाल मुंतकिल किया गया है जख्मी हालत की सूरत हाल में, जबकि पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि इस ये जो बंदा जख्मी हुआ है, इसमें गाड़ियां भी तोड़ी गई हैं, डंडों का भी आम इस्तेमाल हुआ है और वहां पर काफी जो है ना वो भगचड़ भी मच गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुमायूं, आपने नारोवाल की सूरत हाल से आगाह किया। नारोवाल में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आमने सामने आ गए, उनमें तसादम हुआ और उसके बाद फायरिंग के नतीजे में पीटीआई का एक कारकुन जख्मी भी हुआ।